अध्याय आठ प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है, दशमलव पढ़ रहे हैं और निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। अभी तक क्या रहता था कि अभी पिछले प्रश्न में क्या था कि ये मान तो थे, वो स्थानीय मान सारणी बनी थी, उसको ये दशमलव बनाना था। अब की बार स्थानीय मान सारणी ही बनाना है, तो आप देख लें अधिकतम कितना है, आपने हजारवें भाग दशमलव के तीसरे अंक तक, नहीं हजारवें भाग तक गया है और इधर भी इकाई दहाई सैकड़ा, इधर सैकड़ा तक गया है अधिकतम, तो हमको भी जो सारणी बनानी पड़ेगी वो इसी अनुपात की बनानी पड़ेगी। तो बस शुरू करते हैं, ये सारणी बना लेते हैं फिर इस पर भर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारणी बन गई, अब इसको स्थानीय मानों को भरना है। देखिए कैसे पढ़ते हैं, 0.29 यानी इकाई पर कितना है, 0 है, और उसके बाद दशांश पर 2 है और शतांश पर 9 है। तो क्या करना है, इकाई करना है यहाँ पर, यानी ए वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सैकड़े में 0 आएगा, दहाई पे भी 0 आएगा और इकाई पर कितना है, 0, इसमें भी 0 आएगा और यहाँ पर आएगा दशांश में आएगा 2, क्योंकि इसका मान 0.1 है। इस दशमलव के बाद पहला स्थान, ठीक है, ये, और दशमलव के बाद का दूसरा स्थान इधर वाला है, इसमें आएगा 9 और इधर कुछ नहीं है, तो आप चाहे तो 0 लगा भी सकते हैं और चाहे तो, जैसे इधर 0 लगाना जरूरी है नहीं भी है, खाली है तो भर दीजिए, क्योंकि सारणी आपने इतनी बना रखी है, ठीक है। वैसे इनका ना भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू है इसका, ठीक है, इकाई से। दूसरे में भी देखिए 2.08, इसमें भी इधर कुछ दिख नहीं रहा है, तो सैकड़े में कुछ नहीं है, दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में रखा है 2, तो आप लिखेंगे 2.00, इसके बाद इकाई के बाद दशमलव शुरू हो जाता है, दसवां भाग आएगा, दसवें भाग में पहला जो हिस्सा है वो है 0, दूसरा हिस्सा है फिर वो है 8 और तीसरे हिस्से में कुछ नहीं है, तो आप उसको 0 लिखते, क्योंकि इधर के 0 की बीच में जो अगर 0 आते हैं तो इसकी तो वैल्यू है, लेकिन इसे किनारे वाले इनका कोई मान नहीं होता, केवल जगह भरने के लिए है, ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। सी वाले में देखेंगे 19.60, 19 कैसे आएगा, दहाई में है इकाई, दहाई में 1 है, तो सैकड़े में तो कुछ नहीं आ रहा है, दहाई में आ रहा है 1, इकाई में आ रहा है 9, दशांश में आ रहा है 6 और शतांश में आ रहा है 0, सहस्त्रांश यानी कि हजारवां में कुछ नहीं है, तो खाली के लिए हम 0 लगा देते हैं। डी में दिया हुआ है 148.32, तो 148 में सैकड़े में है 1, दहाई में है 4, इकाई में है 8 और दशांश में है 3 और शतांश में है 2, ये अभी भी खाली, मतलब खाली, बिल्कुल खाली नहीं रखना है, डैश नहीं लगाना है, 0 भर दीजिए। ई पार्ट दे रहा है 200, 200 का मतलब होता है पूरा 200, तो ये सैकड़े में तो 2 आ जाएंगे, दहाई में भी 0, इकाई में भी 0, दशांश में है 8, शतांश में है 1 और ये सहस्त्रांश यानी कि हजारवां में है 2, इस तरह इसका स्थानीय मान भर देते हैं। तो ये दशमलव का स्थानीय मान सारणी हुई। लेते हैं प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। अलग अलग प्रश्न है, हम एक एक करके उठाएंगे क्योंकि फिर जगह नहीं पूछेगी। तो देखिए इस तरह का प्रश्न हम लोग उदाहरण पढ़ चुके हैं। लिखा क्या है, 20 ÷ 9 ÷ 4/10 ÷ 1/100, ठीक है। अब ये आपको पहले इसको बदल लेना है, किसमें, दशमलव में बदल लीजिए, दशमलव में रखना है और फिर इसको जोड़ दीजिए। तो अब इसमें देखिए ये 20 और ये 9, ये तो बदलने से नहीं जाए क्योंकि इसमें दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं हम भी बताते हैं, पहले इसको एक जैसा बना दो। अब 4/10 का मतलब होता है जब हमारे को हर में, जब ये भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है और हर में 10 आ जाए तो ऊपर वाला अंक जो है वो लिख के और जितने 0 होते हैं उतने पर दशमलव लगाते हैं। पहला 0 है तो वहां पर ही एक ही अंक रहेगा और जहां 1 रहता है वहां पर
दशमलव लग जाता है और फिर इसके बाद शून्य लगा देते हैं, तो ये 4/10 का मतलब हो जाता है 0.4। तो इसी तरह जब इसको हल करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, एक है, एक तो ये रहेगा, शून्य कितने है, एक दो, तो हमारे को एक अंक पहले से एक अंक ये हो गया, और जहां पे एक होता है वहां पे दशमलव लगा लेते हैं और यहाँ पर शून्य लगा लेते हैं। तो इस तरह इसका मान 0.01 हो गया। अब जोड़ने का क्या तरीका है, जोड़ने का तरीका देखिए, दशमलव के इधर वाले से शुरू करते हैं, तो चाहे जैसे क्षैतिज जोड़ तो पढ़ा होगा ना आपने कि इसको एक इधर कुछ है नहीं, तो इसका एक तरीका बना लो आप, एक अलग से, या तो सीधे सीधे अगर आपको जोड़ते बन रहा है तो दशमलव से दशमलव एक आ गया, फिर शून्य में इधर चार जोड़ेंगे तो चार आ गया, फिर इधर दशमलव के बाद दशमलव आ गया, इधर शून्य शून्य, इधर कुछ इधर नौ है तो इधर नौ आ गया और इधर दो आ गया, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो कई बार इसके साथ इसको भी जोड़ देते हैं, इसके साथ कोई एक आंक छोड़ देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो छोटे अंकों में तो समझ में आता है, तो आपको थोड़ा सा कष्ट सहना है, क्या करना है, इसको इधर उतार लीजिए 20 और इधर लिखा लीजिए 9, इसको लिख लीजिए 0.4 ऐसा, और 0.01 ये बना लीजिए ऐसा। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर दशमलव नहीं था तो आप यहाँ पे दशमलव लगा लो, यहाँ पे शून्य लगा लिख लो, और ये जगह खाली है तो इसको ही भर लो चाहे तो, हालांकि बाद में ना भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या होता है कि आपको पूरी ये सीरीज आप देख रहे हैं पूरी भर गई, कहीं कोई खाली नहीं है, अब जब खाली नहीं है तो बस ऊपर से नीचे तक को जोड़ लेना है। जोड़ने में क्या होता है कि चूंकि आपने जबरदस्ती तो शून्य भरे हुए हैं तो उनका तो कोई वैल्यू तो है नहीं, तो बस इनको संख्याएं जो उसी क्रम में दिख रही है उसी क्रम में आपको उतार लेनी, जोड़ के भी देख लीजिए ऐसे ही आता है। बस यही प्रक्रिया अपनाते हुए आप इसको 29.41 ये इसका क्या हो गया, प्रत्येक को दशमलव रूप में, और इसको जोड़ना है तो जोड़ दिया, तो ये इतना इसका माना जाता है। यही प्रक्रिया आप अपना लीजिए, तो इससे क्या होगा, ये रफ में किनारे कर लिया करिए, ये गलती नहीं होगा कभी, इधर उधर नहीं होगा। कई बार क्या है, जोड़ते जोड़ते इधर का इधर चला जाता है, इधर का इधर आ जाता है, तो वो दिक्कत आती है। तो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे बाद में फिर सीधे सीधे जोड़ते बनने लगे, तो सीधे सीधे जोड़ते रहिएगा। लेते हैं बी पार्ट। अब बी में है 137 / 5/100, ठीक है। तो 137 में देखो, 137 तो पूरी संख्या पूर्णांक है, तो ये ले, ये पूर्णांक हो गया, पूरी संख्या होगी, इसको बदल दीजिए। तो यहाँ पर 5 है, नीचे 100 है, तो आधार जब 100 होता है, यानी कि हर में 100 होता है, तो किसका कितने अंक ऊपर आएंगे, एक दो, और तीसरे अंक की जगह है दशमलव लगेगा। तो ये 5 है और हमको कितने बनाने हैं, 2 अंक बनाने हैं, एक दो, दो शून्य है तो 2 अंक बनाने हैं, जहां पर एक होता है वहां पर दशमलव लग जाता है और ये शून्य हो जाता है। इस तरह ये तो हमारा जो हो गया। अब जोड़ना, अब इतना तो पता ही होना चाहिए कि देखिए इकाई से इकाई जोड़ दिया है ना, इधर दहाई और इधर कुछ है नहीं, तो शून्य 5 तो इधर आ गया, दशमलव के इस पार कुछ है नहीं, तो ये है 137.05। और अगर अगर इधर से कुछ गड़बड़ ना हो, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसको इधर जोड़ दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 137 इधर लिख दीजिए, 0.05 इधर लिख लीजिए, यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ 0 भर लीजिए, इधर इधर 0 भर लीजिए। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, ये वही आ रहा है, ये ठीक है। तो इस तरह आपको दिक्कत नहीं होगी, टैली भी करते चले सर साथ में, यानी आप जोड़ते जाए, इधर इस प्रैक्टिस तो ये करनी ही है, और इधर से आप टैली कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपको जोड़ होता रहेगा। लेते हैं सी। अब है देखिए, इसमें 7/10 है, फिर 6/100 है और 4/1000 है, तो सबसे पहले इनको बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.7, क्योंकि एक ही अंक है शून्य पर है, तो एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। इस पे देखेंगे 6/100 यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो ये 0.06 में, क्योंकि दशमलव के इसमें 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक बनेंगे, एक अंक भले है, यहाँ पर 1, 2, 3 शून्य, तो ये 4 जो है शून्य के बाद दशमलव लगाइए, कितने अंक बनाने, 1, 2, 3, तो 1, 2 और तीसरा अंक 4 खुद ही है ये। अब ये तो हो ही गया है, जोड़ते बनेगा, सीधे सीधे जोड़ लीजिए है ना,
तो कैसे आएगा, इधर चार है, फिर दहाई में वैसे मतलब इधर से ये तो हजारवा भाग था, ये दशांश में छह है और ये शतांश में और दशांश में सात है और इकाई में शून्य है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए यहाँ पर लगाइए 0.7, 0.06, 0.004। अगर आप इधर ना भी कुछ लगाएं तो देखिए इधर कुछ है नहीं, ये चार, ये छ, ये सात, ये दशमलव और शून्य, ये देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जवाब हो जाएगा। इस तरह आपको टैली भी करते जाना है। डी पार्ट लेते हैं, अब इसको डी पार्ट लेते हैं, 23, 2/10 और 6/1000। तो 23 को कैसे लिखेंगे, 23 को तो 23 ही लिखेंगे, 2/10 को बदलिए तो दो, ये एक अंक है शून्य का तो 0., ये पहला अंक ही आ जाएगा। इसमें तीन अंक है तो 6 को बनाएंगे तीसरे अंक तक, तो 0.006, ये तीसरे अंक तक पहुंच गया। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका तो आपको पता ही है, हजारे भाग तो इधर कुछ नहीं है तो ये हजारे भाग, शतांश में जीरो है तो जीरो आ गया, दशांश में इधर शून्य है इधर दो है तो ये दो आ गया, इधर दशमलव की जगह दशमलव और इधर ये 23 तो पूरा पूरा है ही। अब चेक कर लो सही किया है कि नहीं, तो इधर लिखना है 23, 0.2, क्योंकि इधर दशमलव नहीं है तो दशमलव बना लो या एक शून्य भर लो, और 0.006, ठीक जोड़ लीजिए, भरना है तो भर दीजिए, नहीं भरना है तो भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जगह आपको ज्यादा नहीं है ना, इधर ही भर लो कोई दिक्कत नहीं। 6.02, देखिए इस तरह इसको जोड़ रहे हैं। इसका ई पार्ट है उसको भी लेते हैं, इसका ई पार्ट है 700 में 20 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 9/100 जोड़ना है। चलो शुरू करते हैं, तो ये तो 700 है पूरा, ये रहा 20 और ये 5 है, इसको बदल दीजिए, तो दो अंक बनाने हैं, दो शून्य है तो इसको ऊपर दो अंकों में बदलना है, 0.09, गिन लीजिए दशमलव के बाद दो अंक है, दो अंक बन गए। इस तरह इसको लिखा जाता है। अब जोड़ देना है, जोड़ने के लिए क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 725.09, ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। इधर आप अलग से भी जोड़ सकते हैं।